जेंट्स किचन में आप सबका स्वागत है। मैं आज आप सबके लिए मेथी पाक की रेसिपी लेके आई हूँ, जो विंटर में ज़्यादातर हर किसी के घर तो बनती ही है। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि हलवाई लोग किस तरह मेथी पाक बनाते हैं, और वो भी एकदम इजी वे में। तो चलिए बनाते हैं मेथी पाक। मेथी पाक बनाने के लिए करीबन 1.5 कप जितना मैंने इधर मेथी पाउडर लिया है। इसमें मैंने करीबन 1 कप जितना दूध ऐड किया है। पहले मैंने 3/4 कप जितना दूध लिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब बाकी का जो दूध था वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अब इसे हमें ढक के करीबन 4 घंटे के लिए एक साइड रखना है। 4 घंटे के बाद हमें एक बड़ा बर्तन यानी एक बड़ी कढ़ाई लेनी है। उसमें मैंने 1/2 कप जितना कोकोनट पाउडर डाला है। इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चराइज है वो उड़ जाए। अब हमें इसे एक बड़े बर्तन में या बड़ी डिश में इसे डाल देना है। अब हमें उसी कढ़ाई में 1/2 कप जितने काजू, 1/2 कप जितने बादाम और 1/2 कप जितने मकतरी के बीज लेने हैं। इसे भी हमें अच्छे से ड्राई रोस्ट करना है। आप काजू के कटके भी कर सकते हैं और बादाम के भी हम कटके या चिप्स आप जो चाहें वो आप कर सकते हैं। अब इसे डिश में निकाल देना है। और इस तरह हमें उसे फैला देना है ताकि ये ठंडा हो जाए। अब हमें फिर से वही कढ़ाई लेनी है और उसमें 2 चम्मच जितना हमें घी ऐड करना है। इसमें मैंने गाय का घी लिया है। अब इसमें हमें 1/2 कप जितना गुंदर ऐड करना है और इसे अभी हमें अच्छे से सेकना है जब तक ये अच्छे से फूल ना जाए। कुछ इस तरह जब हम इसे हलाते रहेंगे तब ये अच्छे से फूलने लगेगा और ये एकदम फूल के कुछ इस तरह साबुदाने के दाने जैसा हो जाएगा। अब इसे हमें थोड़ा ठंडा होने देना है। जब ठंडा हो जाए तब हमें कटोरी की मदद से कुछ इस तरह इसे हमें क्रश करना है। इसे आप मिक्सर ग्राइंडर में भी क्रश कर सकते हैं। अब इसे भी हमें वही डिश में निकाल देना है। और इसे भी कुछ इस तरह फैला देना है ताकि ये भी अच्छे से ठंडा हो सके। अब इसमें हमें किशमिश 1/2 कप जितना और 3 चम्मच जितना हमें खसखस ऐड करना है और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें हमें सौंठ पाउडर डालना है और 4 बड़े चम्मच हमें गंठोड़ा पाउडर इसमें ऐड करना है और इसे भी अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। अब हमें फिर से वही कढ़ाई में करीबन 5 चम्मच जितना गांव का देसी घी लेना है और हमारा जो गेहूं का जाड़ा आटा आता है
जिसे हम भाखरी या लड्डू बनाने में यूज करते हैं, वो करीबन मैंने इधर एक कप जितना लिया है। अब इसे हमें अच्छे से घी में सेक लेना है। जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता है और इसमें से अगर जब हम आटा सेकते हैं तो सेकने की सुगंध आती है, तो जब तक वो सुगंध ना आए और हमारे आटे का कलर चेंज ना हो, जब तक हमें इसे अच्छे से रोस्ट करना है। जब ये अच्छे से सेक जाए तभी उसी बर्तन में, बड़ी डिश में, हमें इसे भी निकालना है और इसे भी अच्छे से फैला देना है और मिक्स कर लेना है। अब हमें फिर से वही कढ़ाई लेनी है। अब इसमें हमें 2 चम्मच जितना घी ऐड करना है और हमने जो 4 घंटे पहले जो मेथी जो हमने दूध में भिगोई थी, अब उसे हमें इसमें डालना है। हमें इसे सेकना है ताकि ये अच्छे से सेक भी जाए, इसके अंदर जो दूध का मॉइस्चराइज़ है वो भी चला जाए और हमारे मेथी में एक अच्छा सा फ्लेवर भी आ सके। कुछ इस तरह जब उसमें से मॉइस्चराइज़ चला जाता है तो इस तरह मेथी पाउडर अच्छे से हो जाता है। अब इसे भी हम एक वही बर्तन में जिसमें हमने सब कुछ मिक्स किया था उसी के साथ हमें ये आटा भी मिक्स कर लेना है। अब हमें फिर से कढ़ाई लेनी है। इसमें हमारा बचा हुआ जो घी है, इधर मैंने घी कम से कम 250 ग्राम जितना लिया है, यानी एक बड़ा कप बाउल जितना भर के मैंने इसमें घी लिया है। अब जो भी घी हमारा बचा है वो घी लेना है और इसमें 2 कप जितना चॉप किए हुए गुड़ को लेना है। हमें गुड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेना है और 2 बड़े कप जितना हमें इसमें गुड़ लेना है, यानी करीबन 400 ग्राम जितना। अब इसे हमें अच्छे से गुड़ को पिघलना है जब तक वो लिक्विड फॉर्म में नहीं आए, जब तक हमें गुड़ को हिलाते रहना है। जब हमारा गुड़ लिक्विड फॉर्म में आए तब जो मिक्सचर हमने एक थाली में मिक्स किया था उसे अब हमें इसमें डालना है। ये करते समय हमें गैस को एकदम लो फ्लेम पे रखना है। जब हम गुड़ और घी को पिघलते हैं, यानी जब वो लिक्विड फॉर्म में आता है, तभी भी हमें हमारे गैस को एकदम लो फ्लेम पे ही रखना है और सभी मिक्सचर को इसमें मिक्स करना है और 2 चम्मच जितना इलायची पाउडर डालना है। अभी सभी को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। जब हम ये करें उसके पहले हमें हमारी एक बड़ी सी थाली घी लगा के या तेल लगा के रेडी रखनी है। कुछ इस तरह हमें हमारी थाली को रेडी रखना है और जब हमारा सभी मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो जाए गुड़ और घी में, तब हमें कुछ इस तरह उसे थाली में निकालना है और उसे कटोरी की मदद से अच्छे से उसे सेट करना है। हमें इसे कटोरी की मदद से जब तक इसे अच्छे से सेट करना है जब तक ये चारों तरफ से अच्छे से सेट नहीं हो जाए। अब इसके ऊपर हमें बादाम की चिप्स को डालना है गार्निश के लिए। आप बादाम या इलायची पाउडर भी ऊपर से इस तरह डाल सकते हैं। आप
पिस्ते की चिप्स भी इस तरह डाल सकते हैं और ऊपर से खसखस भी डाल सकते हैं। जब हमारा मेथी पाक ठंडा हो जाए, करीबन इसे ठंडा होने में 1 घंटा लगता है। जब ठंडा हो जाए तब इस तरह हमें इसमें कट करना है। आप जो शेप देना चाहें वो शेप आप दे सकते हैं, पर जब तक आपका मेथी पाक ठंडा ना हो तब तक आप इसे कटिंग ना कीजिए या इस तरह इसके पीसीस ना कीजिए। जब आपका मेथी पाक ठंडा हो जाए और अच्छे से पीस हो जाए तो उसे आप डब्बे में भर दीजिए। इसके करीबन आपको छोटे छोटे 40 पीस जितने बनेंगे। आप इसके लड्डू भी बना सकते हैं। आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिए। आपको सेम टू सेम हलवाई जैसा ही टेस्ट आप घर पे भी आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।